नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की स्पेशल कोरोना कवरेज, कोरोना सफ़र। सिर पे कपड़ा बांधा है, नंगे पैर हैं और हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में हैं। कैमरे के पीछे साथी हैं अमितेश, हमारे साथ हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रेसिडेंट। बंगला साहिब में क्यों आए हैं कोरोना के समय हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं कि लंगर बन रहा है और कई सारे मजदूरों, कई सारे प्रवासियों को ले खाना जा रहा है दिल्ली के गुरुद्वारों से, और बंगला साहिब केवल एक उदाहरण है उस दिशा में, है ना सिरसा जी? हम तो कैसे कह सकते हैं, आप तो कह सकते हैं, हमारा तो सेवा ही, हम तो रोज़ ये सेवा करने के लिए रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम लोग अभी किचन में देख रहे थे, लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे शूट करने के पहले, तो पता चल रहा था कि आपको पता चलता है कि कोई आदेश आया कहीं से या किसी ने रिक्वेस्ट की कि सर कहीं पे लोग फंसे हैं, खाना, वो सिस्टम कैसे है, कोई कैसे पूछता है आपसे कि खाना खिलाना है किसी को? देखिए, कई जगह से, एक नहीं अलग अलग है, जैसे सरकार है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिस से हमें आता है कि हमारे यहाँ पे इतने लोग फंसे हुए हैं, हमारे ये DC देखते हैं, हमारे SDM हैं, तो SDM DC जो दिल्ली सरकार के या DCP जो हैं, SHO हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारे इलाके में इतने लोगों को खाना चाहिए। उनकी रिक्वेस्ट कईयों की परमानेंट आ चुकी है कि हमें 20 दिन तक चाहिए, कोई रोज़ आती है, कभी केंद्रीय मंत्रालय जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्होंने कहा हमें 3,000 लोग हमारे आसपास में यहाँ पे हैं, हमें उनको 3,000 लोगों का रोज़ खाना चाहिए, या गुड़गांव से है या गाजीपुर में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ के लोग फ़ोन करके कहते हैं कि जी यहाँ पे लोग भूखे हैं तो आप कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए। तो अलग अलग किस्म से, अलग अलग जगह से रोज़ जो वेरिएशन है, कभी 20,000, 30,000, 40,000 तक की भी अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन लाख सवा लाख लोग आदमियों का तो खाना परमानेंट है, जो बनना ही बनना है, जिनकी ऑलरेडी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, लगातार पेंडिंग मींस कंटिन्यूटी में है, जो जाएगी। अच्छा, और ये लोग आपसे फिर कॉन्टैक्ट करते हैं और आप से आता है गुरुद्वारे के किचन तक आपके रिक्वेस्ट आप पहुँचाते हैं आगे? हाँ, गुरुद्वारे की जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम का है, वो हमारे मैनेजर्स हैं, उनको हम फॉरवर्ड करते हैं और वो अपनी किचन, जिस किचन आसपास जो पड़ती है हमारे, जैसे जिस गुरुद्वारे का लंगर और पास पड़ता है, उस गुरुद्वारे को जानकारी दे देते हैं कि ये खाना आपने पहुँचाना है। अच्छा, जिस समय आम दिनों में तो गुरुद्वारे में लंगर चलते रहते हैं, लोग खाते हैं और प्रसाद लेते हैं, लेकिन इस समय तो लंगर बंद होगा, यही तैयारी की जा रही है, तो किचन की, स्टोर की, और हम किचन के तब पास आ गए हैं बातचीत करते करते, स्टोर की जो हालत है, स्टोर में आप अभी बता रहे थे कि अब इतने ज़्यादा दान आ रहे हैं कि रखने की जगह भी कम पड़ती जा रही है और उसी हिसाब से खपता भी जा रहा है सामान, लोगों के लिए रोज़ खाना जा रहा है, तो वो सब भी हम अभी देखना जा रहे हैं। तो हम अमितेश के साथ धीरे धीरे, अमितेश पीछे चलते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना यार, और हम लोग आ गए हैं स्टोर रूम में जहाँ सारा सामान रखा है। हाँ सर, बेसिकली हमारा ये स्टोर है, अगर आप देखें तो ये हमारा स्टोर है। इस स्टोरेज में आज से पहले इसी स्टोरेज में हमारा ये बंगला साहब का स्टोर है, मेन स्टोर हमारा गुरुद्वारा काबगंज साहब में है, तो वहाँ के स्टोरेज में कैपेसिटी बहुत बड़ी है, इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन ये जितना खाना पकता था उतना ही यहाँ आता था, लेकिन क्योंकि अब खाना बहुत ज़्यादा पकना यहाँ शुरू हो गया तो अब यहाँ की स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए हमारा जो हॉल है, जहाँ में हम लंगर हॉल जिसमें छकाते थे लंगर, अब उसमें भी हमने जो है रसद स्टोर की है, लंगर हॉल जो अंदर है। पहले लॉकडाउन के पहले कितने लोगों का खाना बनाया जा रहा था यहाँ पे? लॉकडाउन से पहले तो औसतन जो रोज़ खाना बनता था तो 20,000 लोगों का बनता है, कभी 25 का भी हो जाता है, और वीकेंड्स पे लाख आदमी का भी बनता था, लेकिन कोई गुरपुरब और होते थे, शहीदी पुरब या नया साल, तो तब कई बार 5-5 लाख का भी, 6-6 लाख का भी, वो तो, लेकिन वो एक दो दिन ही होते हैं साल में। अच्छा, ये आपका लंगर हॉल था? ये लंगर हॉल था, अब हमने इसको सारे को इसमें सब रसद रखी है। अच्छा। क्योंकि अब यहीं से रसद हम लेते हैं, ये जितनी आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे शाम को ख़त्म हो चुका होगा, दोबारा अगले की फिर दोबारा ट्रक आ रहे होंगे। तो लंगर बन के तैयार हो चुका है, लंगर या कोरोना से, लॉकडाउन से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए बनाया जाने वाला खाना बनके तैयार हो चुका है। सामने चावल की पोटली है, ठीक है, अब अमितेश इधर आइए, तो लोगों को इधर लोड भी कर रहे हैं, बड़े बड़े खंडालों में, बड़े बड़े बर्तनों में खाना लोड कर रहे हैं, इसमें रोटियां लोड की जा रही हैं, रोटियां हैं ना इसमें, चपातियाँ हैं इसमें, देखिए चपाती, कितनी रोटियाँ होंगी इसमें, एक में कितनी रोटियाँ आती हैं अंदाजन? कम से कम तो 10,000 के करीब, 10,000 के करीब एक में, ऐसी कितनी रोटियाँ हैं इसमें, सारी रोटियाँ ये, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बर्तन हैं जिसमें रोटियाँ भरी हुई हैं,
ये सारी रोटी है हाँ। और बन के नोएडा सिटी जा रही है। नोएडा सिटी हाँ, वहाँ कहाँ जाएगी? वहाँ पे कोई एनजीओ है, वहाँ पे लोग जो फंसे हुए लोग हैं, रुके हुए लोग हैं, उनके लिए लंगर बन के जा रहा है, उनके लिए बना है, बना के भेज रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा रोटियाँ देखनी, मैंने वहाँ चावल का कनस्तर देख लिया मैंने, चावल रोटी और दाल, दाल ये तीन चीज़ें बन रही हैं, ये तीन चीज़ें कंटिन्यू जा रही है। जिस दिन से लॉकडाउन है उस दिन से लेके आज तक एक कंटिन्यू सेवा चल रही है। अच्छा, ये कितने लोग रखते हैं इसको बनाने के लिए? हमारे 53 लोग हैं। 53 लोग हाँ, वो सेवा पे लगे हुए हैं। कहाँ ये किससे में खाना बन रहा है जी? और इधर क्या हो रहा है? सब्जी की काटा पिटी कर रहे हैं, सब्जियाँ काटी जा रही हैं। सब्जियाँ काटी जा रही है। तो कोड़ा है, काटा जा रहा है उसको, दो लोग मिलके काट रहे हैं, और पालक है इधर, मिर्चियां हैं, मशीनें लगी हुई हैं तमाम सफाई काटने की, बड़ी संख्या में प्याज काटा जा रहा है। तो गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं तो तमाम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं लोगों के लिए, लंगर के लिए। जो लंगर अभी दिखाया वो नोएडा जा रहा है, और ये इधर से आटा सान के आगे की तरफ ले जाया जा रहा है, मशीनों में आटा साना जा रहा है, आगे ले जाया जाएगा। आगे क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या है, वो बारी बारी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये शायद रोटी बनाने की मशीन है मुझे लग रहा है मितेश, क्योंकि ये हाँ आटे का डो है, ये इसको गूंदा हुआ आटा है ये, और ये दो मशीनें हैं रोटियां बनाने की। हाँ जी सर, ये तो ये उधर से आटा सान के आया गया? बिल्कुल जी, आटा वहाँ अंदर से गूंदते हैं और यहाँ पे ला के यहाँ पे पूरा ये मशीन चलेगी, परसादा यहाँ से बना बनाया तैयार निकलेगा। हाँ जी, पीछे से रोटियां तैयार निकलेंगी। हाँ जी, 1 घंटे में 5,000 परसादे निकालती है मशीन, 1 घंटे में 5,000 रोटियां। हाँ, और ये सुबह 4 बजे से चलती है, शाम तक चलती है। कितने बजे तक? ये शाम को 6:30 बजे तक, 7 बजे तक चलती है। शाम को, सुबह 4 बजे से शाम को 6 बजे। हाँ जी हाँ जी, रोटियाँ बनाई जाती हैं बस प्रसादे जी, बाकी दाल चावल और वहाँ बन रहे हैं, दाल चावल बाकी चीज़ें उस तरफ बन। हाँ जी हाँ जी, दिन भर में मेरे ख्याल से 22-23 क्विंटल आटा निकलता है मशीन से। क्योंकि हम लोगों ने बाहर देखा स्टोर रूम में बहुत सारे आटे की बोरियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारा आटा रखा हुआ है, वहाँ सब आटा कहाँ से आ रहा है? आटा जी ये गुरु की संगत दे रही है। अच्छा, हाँ जी, लोग दान देते हैं? बिल्कुल जी, लंगर में देना है। हाँ जी, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप सर यहाँ पे? जब से जी, वैसे तो मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन कंटिन्यू ड्यूटी हमारी चल रही है सुबह से लेकर रात तक, जब से लॉकडाउन हुआ है। सुबह से लेकर रात तक? हाँ जी। रह कहाँ रहे हैं आप यहाँ? गुरुद्वारे में ही। गुरुद्वारे में ही? हाँ जी हाँ जी। सर आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, संजय सिंह। संजय सिंह बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक तमाम मशीनें चल रही हैं और रोटियां बन रही हैं। रोटी दिखा बना दिखा पाए कि नहीं मितेश? नहीं, यहां से भी दिखाइए गुरु, यहां से देखिए, ये खुली हुई है, आग लगी है नीचे, रोटियां ये उधर से, यहां से दिखाइए, उधर से डो डाल रहे हैं, वो लोइयाँ कट के जा रही हैं, इधर गिरी सामने लोई, मशीन ने बेल के उसको रोटी की शक्ल दे दी, और रोटी उधर से कन्वेयर से होते हुई, कन्वेयर बेल्ट से होते हुई ये नीचे के इस तमाम आँच है, रोटियाँ सिकी जा रही हैं, फूल रही हैं, और उसके बाद यहाँ इस जगह आके रोटियाँ स्टोर हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब का। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में किसी काम से रुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से? नहीं, ये ड्यूटी करते हैं यहाँ। यहाँ पे सेवा दार। कितने दिन से? 4-5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने हो गए। अच्छा, ये रोटियाँ आ रही हैं अंदर से, ये इसमें आप लोड कर रहे हैं, आप और वो दोनों लोग मिलकर लोड कर रहे हैं, दिन में कितने घंटे रोटियाँ लोड करते हैं? ये कोई किसी सुबह का लंगर बन रहा है 5-6 बजे का, 2:30 बजे का, 12-1 बजे का लंगर बनेगा, फिर चला जाएगा वो तो। अच्छा, हाँ जी, आप बैठ के इसको रोटियां लोड करते रहेंगे? हाँ जी, बस। सुबह से कितनी रोटियां लोड कर चुके हैं, कितने कंडाल? 7-8 बड़े बड़े टप ऐसे भर चुके हैं ऐसे।
ऐसे बड़े बड़े 7-8 टब भर चुके हैं आप जो उधर रखे हुए हैं जी, वो सामने पड़े हुए हैं जी, बाकी ये बन रहे हैं। अच्छा, सारे टब आप भर चुके हैं। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं अंदाजन? ये कोई 12 घंटे भी पड़ जाता है, कोई 16 घंटे भी पड़ जाता है। काम नहीं है, सेवा है ये ना? सेवा ही है, जितना मन उतना करो। उतना मन एक घंटा करके भी जा सकते हो, दो घंटा भी कर लो, आधा घंटा भी कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ जी ठीक है। तो मनप्रीत सिंह जी बता रहे हैं कि खाना बनाया जा रहा है, सबके लिए बनाया जा रहा है। अभी जैसे मैनेजर साहब ने बताया, यहाँ के किचन मैनेजर ने, कि ये खाना बन के जाएगा नोएडा, वहाँ पे कोई एनजीओ है, वो लोगों को खाना खिला रहा है, उनकी मदद से ये लोगों तक पहुँचाया जाएगा। लोग लगे हुए हैं, सेवा कहते हैं इसको, वो नौकरी नहीं कहते हैं, इसके लिए पैसे नहीं लेते हैं, इसके लिए जितना मन हो उतना देर काम करते हैं, जितनी क्षमता हो उतना देर काम करते हैं। हाँ यार, चल रहे हैं मितेश, आइए। यहाँ पे सब्जियाँ बन रही हैं, चावल बन रहा है, और हम ऊपर आ जाएं क्या? थोड़ा सा ध्यान से, मुझे हल्की सी फिसलन है, चावल है, कुमाड़ है उसका हल्का सा। कितना चावल होगा सर इसमें? इसमें 150 किलो चावल। 150 किलो कच्चा चावल, 150 किलो बनने के बाद मतलब कि हाँ पानी वानी सोख लेगा तो थोड़ा बड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप ही पूरा इतना आपने बनाया लगाया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सुबह 4 बजे से बनाते हैं हम, वो चावल बनाए हमने वो रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पूरे दिन में हमारे 1400 किलो चावल बनेंगे। 1400 किलो। और रोटियां कितनी बन रही हैं? रोटियां हमारी 2200-2300 किलो आटे की बनेंगी। 2200-2300 किलो आटे की? अच्छा, यानी 2200-2300 किलो आटे की रोटियां बनेंगी, और कम से कम कितना किलो? 1300-1400 किलो चावल बनाया जाएगा। अच्छा, एक ये चावल जो इतना बड़ा कंडाल है, नीचे क्या इसके भट्टी लगी होगी? पूरी भट्टी लगी है जी। क्या इसके ऊपर? तो लेकिन हम लोग नंगे पैर खड़े हैं, तप नहीं रहा है? तप नहीं रहा, नीचे भट्टियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, ये नीचे फर्नेस लगा हुआ है। अभी बंद है, बन चुके हैं। अच्छा, इसको खोल रहे हैं, भाव दिला रहे हैं। अच्छा, कैसे बनाते हैं? चावल कच्चा डाल दिया इसमें आपने? घी डालते हैं, घी पानी डालते हैं। हाँ जी, देसी घी डाला? नहीं, घी डाल के पानी डाल के फिर उसको उबालाता है, फिर चावल डालते हैं, फिर उसको बनाते हैं, जैसे घर में बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं। और ये चलाते हैं आप? ये चलाते हैं। तो आप अकेले आदमी हैं यहाँ पे भी? नहीं नहीं, हमारे साथ और हमारे हैं, साथ में और लोग लगे हुए हैं। कितना देर लगता है इतना ज़्यादा चावल बनाने में? कितना देर लग जाएगा? आधा घंटा लगता है एक कढ़ाई में। इतना कढ़ाई इतना बनाने में आधा घंटा लगता है? ठीक है, आधा घंटा इतना लगे। सर एक नाम बता दीजिए अपना, मैं भूल गया। बलबीर सिंह। बलबीर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के ही हैं, मूलतः दिल्ली के। क्या हम क्या करते हैं? ये लंगर का यहीं पे रखे रहते हैं, यहीं पे लगे रहते हैं। हम यहाँ के एम्प्लॉय हैं, यहाँ के मेन लांगरी मतलब। ठीक है, मेन लांगरी। चलिए, तो बलबीर सिंह जी हैं, बता रहे हैं यहाँ पे मेन काम कर रहे हैं। 1300-1400 किलो चावल और 2200-2300 किलो आटा बनाया जा रहा है। ये क्या है? खिचड़ी। हाँ, चावल पुलाव। पुलाव बनाया गया बाहर से आया? बाहर से बन के आया है। हाँ जी, हाँ जी। किसी ने बना के घर से भेजा है? हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ जाएगा अभी? यहीं पे लोग खाएंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो बाहर भी जाएगा। अच्छा, जिनको खाना है खा ले, वरना बाहर भेजा जाएगा, लोगों के लिए भेज दिया जाएगा। तो यानी लोग जो है इसके एंट्रेंस पे आपका भी व्यू हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। एंट्रेंस पे भी लोग आ रहे हैं गाड़ियों में, चावल, चीनी, दाल, चाय पत्ती, दुनिया भर की चीज़ें लेकर, कि लोगों को दिया जा सके, दिखाया जा सके कि क्या हो रहा है, क्या बनाया जाए, उनकी सेवा की जा सके। लोग पूछते हैं, नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि क्या को क्या आप जो दान दे रहे हैं उसमें आपका नाम लिखना है। कई लोग सोचते हैं उनका नाम लिखवा दिया जाए, कई लोग बिना नाम के अपना दान देकर चले जा रहे हैं। अच्छा, ये नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी, कितनी उम्र है सुखदेव जी आपकी? 39 साल। 39 साल यहीं पे लंगारी में है इधर? हाँ, 7-8 साल हो गए इधर से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रहे पंजाब के। पंजाब के। अच्छा, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो लॉकडाउन के बाद भी आप यहाँ आ रहे थे कि कोई बीच में रुकावट हुई थी? नहीं, रुकावट तो नहीं हुई, पहले आ रहे थे। रोज आ रहे हैं लॉकडाउन में? रोज लॉकडाउन का जो लंगर चल रहा है, रोज का लॉकडाउन लंगर रोज चल रहा है। रोज सुबह शाम 27,000 बंदे का जाता है लंगर। कितनी देर काम कर रहे हैं आप? तो 7-8 साल हो गए। कितनी देर काम कर रहे हैं, रोज कितने घंटे काम कर रहे हैं? पूरा दिन, 3 शिफ्टें खत्म होती हैं, सुबह 6 से 2, 2 से 10, फिर रात को 10 से 6। तीन शिफ्ट। ये क्या तैयार किया गया है? ये दाल। दाल है? अच्छा, ये भी कभी दाल कभी सब्जी ऐसा बनती है? दाल चावल और सब्जी, या दाल चावल रोटी? ऐसा चावल रोटी चावल तीनों चीज़ें जाती हैं। अच्छा, ये क्या बनाया जा रहा है इसमें? दाल ही आज। अच्छा, वो आज दाल बनाई? आज दाल बनाई, शाम को चने की सब्जी जाएगी।
चने की सब्जी। हाँ कल शाम को कभी कभी दाल कभी कभी सब्जी बनती है। अच्छा, ये एक दाल तैयार है, ये तो काफ़ी गर्म है, सब तैयार है। एक बड़े बर्तन में कितने दाल आ जाएगी ये? इसमें 60 किलो। 60 किलो दाल। और कितनी दाल रोज बन रही है आपने? 800 किलो बनती है। 800-900 किलो दाल रोज बन रही है? रोज बनती है। और यही आप ही लोग 53 लोग मिलकर बना रहे हैं? हाँ सब मिलकर। ठीक है, 53 लोग हैं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, कुछ लंगारी भी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं, मिलकर 800-900 किलो दाल, 1300-1400 किलो चावल और 2200-2300 किलो रोटियाँ इतनी बना रहे हैं। इतनी हर रोज? हाँ हर रोज। हर रोज इतना खप जाता है? हाँ पूरा खप जाता है, पूरा खत्म, पूरा दोबारा बनाना पड़ता है कई बार, तो कम पड़ जाता है कई बार, दोबारा बनाना पड़ता है। हाँ कम पड़ जाता कभी कभी तो, यानी किसी दिन दोबारा बनाना पड़ता है, किसी दिन खत्म हो जाता है, तो पूरा बस्ता किसी दिन नहीं है कहना है। तो ये कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय लोगों का एक और रूप है जो लगा हुआ है लगातार। ये लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं तो रोज़ सेवा कर रहे हैं कि गुरुद्वारे में रह के कुछ काम करें, यहीं सोते हैं, यहीं सेवा करते हैं। हाँ अभी सर हम लोग दिन के 9:30 बजे बातचीत कर रहे हैं इस समय, हम लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया कि 2200-2300 किलो रोटियां बन रही हैं, 1300-1400 किलो चावल बनाया जा रहा है, 900-800 किलो दाल वाल बनाया जा रहा है। कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ के प्रमुख लंगारी हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है किस किस तरह के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखो जो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लेके आज तक ये जो लंगर की सेवा कंटिन्यू चल रही है, उसमें 3-4 लोग हैं जो पहले दिन से ही जहाँ पे फंस गए हैं, और वही लोग हैं हमारे पास। उसके अलावा बाहर का कोई भी आदमी हमने ना आने दिया, और जो हमारे आदमी लंगर बनाने में काम कर रहे हैं ना इनको बाहर जाने दिया। अच्छा, ये बाहर नहीं जा रहे हैं और बाहर का आदमी अंदर नहीं आ रहा है इन्फेक्शन बचाने के लिए? जी जी। अच्छा, इतने बर्तन हैं, इतना बड़ा किचन है, फर्नेस और भट्टियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं आपकी, इनकी सफाई, सैनिटाइजेशन ये सब कैसे करते हैं आप लोग? ये बाहर देखा होगा आपने अभी, वो लड़के सैनिटाइजर की मशीन लगी हुई है, वो हाथ सैनिटाइज करके अंदर आते हैं। वैसे हमने हर सेवादार को सैनिटाइजर की शीशी दे रखी है, कोई भी काम करने से पहले सैनिटाइजर लगाएगा। जी जी, सेवादार हो गया। और ग्लव्स हैं, जैसे मशीनें हैं, मशीनों को सैनिटाइज नहीं करते क्योंकि केमिकल बेस्ड होता है ना, तो इनकी वैसे साफ सफाई हमारी, जैसे अभी लंगर बनना बंद हो जाएगा उसके बाद हम पूरे किचन की सफाई कराएंगे, पूरे किचन की सफाई होगी जो रोज डेली 2 टाइम। कितना देर लगता है पूरे किचन की सफाई करने में? किचन काफ़ी बड़ा है, सफाई करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1.5 से 2 घंटे। अच्छा, कितने लोगों को एक दिन में आप लोग कितने लोगों को अमूमन खाना खिला पा रहे हैं कुछ पता? हमारा रोज का रेशू बढ़ रहा है, जिस दिन पहले दिन स्टार्ट किया था उस दिन तो कोई 10-20 हज़ार लोगों का, आज हम 80,000 लोगों का लंगर बना के गुरुद्वारा बंगला साहिब से दे रहे हैं। सब दिल्ली और NCR के क्षेत्र में? जी, दिल्ली NCR में, जहाँ जहाँ से डिमांड आती है। जैसे अभी SDM न्यू दिल्ली लंगर लेके जाएंगे, उसके बाद SDM नंदनगरी से लंगर लेने के लिए। कैसे होता है, मुझे डिमांड बताइए, लोग कैसे आपको फ़ोन करते हैं पहले? नहीं, ये हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, ये हमारा एक पूरा जो भी प्रोसीजर चल रहा है ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से, हमारे प्रेसिडेंट सर हैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जनरल सेक्रेटरी सरदार हरमीत सिंह कालका जी, एक पूरी बॉडी है, पूरी टीम काम कर रही है, और उन तक लोग अप्रोच करते हैं कि जहाँ जहाँ लोगों को लंगर की ज़रूरत है तो हमें यहाँ पे डिमांड उनकी भेज देते हैं कि हम जी। अच्छा, तो हम यहाँ से लंगर तैयार करके उन लोगों तक दे देते हैं। आपका काम तैयार करना है, प्रेसिडेंट जी बात हुई है, उसको आगे बढ़ाना है। जी जी। क्या नाम है सर आपका, फिर से बता दीजिए? मेरा नाम हरवेज सिंह है, मैं हरवेज किचन का इंचार्ज। हाँ, किचन इंचार्ज हरवेज सिंह है, किचन इंचार्ज है। कल भी हम आए थे यहाँ पर तो बताया कि लंगर बन के जा चुका है, कल हमें आने में थोड़ी देर हुई थी शायद, अब लंगर बन रहा है, लोग काम कर रहे हैं, चढ़ाया जा रहा है, सैनिटाइज जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, रोटियाँ बन रही हैं। मितेश दिखा लीजिए फिर से यार, तो आगे लोग हैं, लोडिंग हो रही है, ये तमाम पंप लगा, पंपिंग स्टेशन लगा है हवा देने के लिए, पंप सेट लगाए गए हैं, हवा उसमें
रोटियों की मशीन में डालने के लिए हवा, कि जिससे फ्लेम्स वगैरह को सुविधा मिले। ये इनका स्टोर रूम है, यहाँ पे सामान वगैरह रखा है, दालें वगैरह रखी हैं, मेंटेनेंस भी हो रहा है। और कुछ लोग हैं 53-54 लोग जो लोगों की मदद, गाड़ी दिखा दें, ये गाड़ी है, आइए अमितेश दिखाए यार। एक तो पहले ये गोदाउन है जहाँ पे तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, इधर भी रखी हुई हैं, पीछे भी इनका एक गोदाम है जहाँ पे सामान रखा जा रहा है। एक छोटा सा ऑफिस है यहाँ पे, एक छोटा ऑफिस है यहाँ पे अमितेश, जहाँ पे अभी हम लोगों ने अपने सर्वर पे कपड़े वपड़े बांधे थे, यहाँ ही पे हिसाब किताब रखा जाता है सारी चीज़ों का। लोग आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं अपने उस पर। और इधर है गाड़ियाँ जिसमें लंगर लोड किया जा रहा है। क्या क्या लोड कर चुके हैं आप लोग अभी इसमें? प्रसादे, क्या क्या मतलब रोटियाँ और रोटी जहाँ पे लोड की हुई है, यहाँ पे रोटी लोड की गई है। खाली रोटी है इस गाड़ी में, खाली रोटी लोड। हाँ, इसमें अभी दाल चावल प्रसादा इसमें भी जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे टाइम टू टाइम गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है। देखो SDM नवी दिल्ली से गाड़ी आ रही है। अच्छा, 10,000 आदमियों का लंगर वो भी लेके जाएंगे। 10,000 आदमियों का लंगर लेकर जाएंगे। तो 10,000 आदमियों का लंगर, लोग बता रहे हैं कि पहले 10,000 से शुरुआत हुई थी, अब 80,000 लोगों को रोज़ इस गुरुद्वारा बंगला साहिब से खाना खिलाया जा रहा है। कोशिश है कि साफ़ सफाई अपने स्तर पे की जाए, मशीनों को साफ़ किया जा रहा है, धोया जा रहा है, केमिकल नहीं लगाया जा रहा है, सैनिटाइज़र मुहैया कराया गया है सबको। भूखों का पेट भरने की कोशिश है बंगला साहिब गुरुद्वारे को लोग करते हैं। कुछ लोग अपने घरों से कारों में निकल रहे हैं, हाईवे पे लोगों को खिला रहे हैं खाना। आप लोग भी जितनी मदद हो सके करिए, लेकिन खुद को सुरक्षित रखते हुए। साथ में साथी अमितेश हमारे, ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। शुक्रिया।